पिता कन्या से प्रार्थना करता है, लाडो हमारे घर में आपका जन्म हुआ, नन्ही सी परी बन के आप हमारे आंगन में आई और हमने हर प्रयत्न से कोशिश करी कि आपकी हर मनोकामना हम पूरी कर सके। हर पिता अपनी लाडो की हर मनोकामना पूरी करना चाहता है, चाहे वह एक कमाए, चाहे लाख कमाए, करोड़ कमाए, लाडो हमने आपकी हर कामना पूरी करनी चाहिए। फिर भी लाडो, महेश जी हाथ जोड़िए, कोई भी हमसे भूल हो गई हो, भूल से भी भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा करना लाडो। और आशीर्वाद देते हुए अपने प्यार की नई दुनिया में अपना सुंदर सा घर बनाना। और क्या देखो बेटा प्रगति, कभी सासू माँ, पहले तो सास का नाम लेते ही बहू रानी की सांस रुक जाती थी, अब सासू माँ मम्मी जी हो गई है, कोई डर की बात नहीं। कभी खट्टा मीठा बोल दे तो जिस प्रकार ये माँ उसी प्रकार सासू माँ। देखिए सात वचन आपको समझाए गए, आपकी लैंग्वेज मातृभाषा में समझाए, आपको समझ में आए। अगर नहीं भी आए तो देखिए मैं छोटी सी बात बोलूंगा, जिस प्रकार हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, ABCD, ए फॉर एप्पल। तो अब जीवन के अल्फाबेट आपको प्रगति सिखा रही है। पहला अक्षर हिंदी में क्या आता है, देखिए आप लोग तो इंग्लिश वाले हैं लेकिन मैं हिंदी वाला हूं तो मैं हिंदी सिखाता हूं। तो पहला अक्षर क्या आता है हिंदी में अल्फाबेट में, खाली कोड दीजिएगा, रिदम बंद कर दो, है? पहला अक्षर क है। तो प्रगति बोलती है पहला अक्षर क है, बोलो अमन क है। तो क का मतलब क्या हुआ, कमान। गृहस्थी का पहला सूत्र है कमाना, प्रगति बोलती है अमन जी आपको कमाना पड़ेगा। अमन जी बोलते मैं तो कमाता हूं, बोले अब मैं आ रही हूं आपके जीवन में, और भी खर्चे बढ़ेंगे है ना, फिर नन्हे मुन्ने आएंगे तो और ज्यादा कमाना है, कमाई में संतोष नहीं करना। पहला अक्षर क्या आया, कह, कैसे कमाना। कह के बाद क्या आता है, सब इंग्लिश वाले के वो जोर से बोलो ना, है कैसे खिलाना, मैक्सिकन, इटालियन है, साउथ इंडियन, जो भी डिश इनकी रुचि हो तो वो भी दायित्व तो आपका है। ये नहीं कि किचन में लग जाओ, ना ना, अभी ऑर्डर करो ना हाथ में, क्यों, सही बात है ना। तो इनके खाने पीने का ध्यान भी आज से कौन रखेगा, अमन जी। खे के बाद क्या आता है, गह, गह से गहना, सुंदर सुंदर गहने बनाने। जिस प्रकार माता पिता ने सुंदर सुंदर गहने बना के आज बैठाए यहां पर, उस प्रकार एक त्योहार भी आता है, याद दिलाता है, रिमाइंड करता है, क्या, धनतेरस, बोलते कुछ सोना खरीदो, तो सुंदर सुंदर गहने बना ले। गह के बाद क्या नंबर आता है, घ, घ से घुमाना फिराना,
और घर, सुंदर घर हो हमारा और हम घूमने फिरने जाएं। अब यहां ध्यान देने की बात है, घूमना फिरना कहां, खाली सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया। हमारे जो तीर्थ स्थल है, कभी वृंदावन ले जाना, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारा जो भी तीर्थ स्थल है, हर जाति का अलग अलग होता है, तो वहां दर्शन कराना मेरे को। और दूसरी बात, आज के बाद पराई स्त्री को किस नजर से देखोगे? भाई पत्नी तो आपकी ये बन गई, अब पराई स्त्री है उसको किस नजर से देखोगे? हैं? अरे बहन मां की बात नहीं है, अच्छी नजर से देखो, हैं? अच्छी नजर से देखना, बड़ी को मां के समान, बराबर वाली को एज ए सिस्टर, बहन के समान, और छोटी को पुत्री, डॉटर के समान। पत्नी के रूप में प्रगति कहती है कि दूसरी की तो हिम्मत भी ना कर, सही बात है ना भाई? और यही सेम कंडीशन प्रगति जी आप पर भी लागू होती है। आज के बाद जो बड़े हैं उनको पिता तुल्य, बराबर वाले, ध्यान है ना आपका, सुन रहे हो ना आप, बराबर वाले को भाई और छोटे को बेटे के समान, पति के समान सिर्फ मन जी को देखेंगे। और एक बार वो सभी ध्यान दे, पति अगर उम्र में साल दो साल छोटा भी होता ना तो उसका पद बड़ा होता। कई शादी होती है पता नहीं चलता कि उम्र छोटी है बड़ी है, लव हो जाता है, है? कई रिश्ते भी बोले अच्छा रिश्ता है लेकिन साल दो साल छोटा, बोले कोई बात नहीं, होती है शादियां। लेकिन पति उम्र में साल दो साल छोटा भी हो तो वो पद में बड़ा होता, इसलिए पति देव कहते हैं। तो इनका मान सम्मान करना, और आप इनको मान सम्मान दोगे तो ये आपको मान सम्मान देंगे, सही बात है ना? जो आप सामने वालों को दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा, और क्या, डबल मिलेगा, सही बात है? तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दो सर। यहाँ युवा में राधे राधे बोल रही है आप सभी को, ये हवा में बैठे हैं जनाब, ये साहब